हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर। यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 11 इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से चैप्टर 8 सिल्क रूट, जिसके राइटर निक मिडलटन हैं, इसके हम समरी कवर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर की समरी। निक मिडलटन, जो इस चैप्टर के ऑथर हैं, को माउंट कैलाश जाकर अपना कोरा कंप्लीट करना था। कोरा किसे कहते हैं स्टूडेंट? माउंट कैलाश के चारों तरफ का चक्कर लगाना, यानी चक्कर कंप्लीट करना कोरा कहलाता है। तो उन्होंने अपने गाइड सेटन को हायर किया, जो कि ड्राइवर भी था। उन्होंने अपनी यात्रा रावू से स्टार्ट करी। यात्रा पर निकलने से जस्ट पहले ही लामो, जिसका रिलेशन नहीं बताया गया है इस स्टोरी में, ने ऑथर को कीप स्किन का एक कोट एज अ फेयरवेल गिफ्ट के रूप में दिया। डैनियल, जो उसका फ्रेंड था हमारे ऑथर का, डार्चन तक उनके साथ गया और वापस लहासो चला गया। जैसे ही जर्नी स्टार्ट हुई तो सेतन, जो कि उनका गाइड था, उन्होंने बताया कि हम शॉर्टकट रूट यानी कि सिल्क रूट से जाएंगे, जो कि डायरेक्ट हमें माउंट कैलाश तक पहुंचाएगा। ये शॉर्टकट रास्ता ही सिल्क रूट है, जिस पर चैप्टर का नाम पड़ा। सिल्क रूट वो रास्ता है जो कि एशिया से यूरोप को कनेक्ट करता है। सेकेंड सेंचुरी में चाइना इस रास्ते से सिल्क को एक्सपोर्ट करती थी, इसलिए इस रूट का नाम सिल्क रूट या सिल्क रोड पड़ा। इस रास्ते में उन्होंने बड़े बड़े माउंटेन को क्रॉस करना था। उन्होंने ऑथर को बताया कि रास्ते में स्नो नहीं हुई तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, और रास्ते में उन्हें गैजल्स, हर्ड ऑफ वाइल्ड एसेस एंड शेपर्ड टेंडिंग के फ्लॉक मिले। फाइनली वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां नोमैड्स अपने टेंट के साथ रहते थे, और टेंट के बाहर टिबेटन मैस्टिफ यानी कि जो ह्यूग डॉग, बड़े बड़े डॉग होते हैं, उन्हें टिबेटन मैस्टिफ कहा जाता है, तो नोमैड की रखवाली कर रहे थे, और वे ऑथर की गाड़ी के पीछे भी भागे थे जैसे ही उनकी गाड़ी टेंट के पास पहुंचे थे। जैसे ही वे एक वैली के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पीक से बर्फ और पानी आकर रोड को या रास्ते को ब्लॉकेज कर रखा है। तो रास्ते में बहुत से मोड़े भी थी, पत्थर थे, जिससे उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। इसलिए गाड़ी की स्पीड भी उन्होंने काफी कम कर ली थी। जैसे ही वे 5210 मीटर की हाइट पर सी लेवल से पहुंचे थे तो उन्होंने काफी दिक्कत हुई थी, और उन्होंने नोज बंद करके मुंह के थ्रू सांस भी ली थी। फाइनली ऐसे जगह पर वे पहुंच गए जहां पर रास्ता पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था। तो सेतन ने सॉइल इकट्ठी करके रोड पर फैला दी, जिससे कि उनकी गाड़ी के जो पहिए थे वो स्लिप ना करें और टायर को ग्रिप मिल जाए। अब वे 5515 मीटर की हाइट पर पहुंच गए, और ऑथर का सिर दर्द होने लगा और उन्होंने पानी पिया। अब वे काफी हाइट पर पहुंच चुके थे और एटमॉस्फेयर प्रेशर भी काफी लो हो चुका था। जब वे एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो जैसे ही सेतन ने टैंक का ढक्कन खोला तो ऑथर को एक डेंजर सी आवाज सुनाई थी। अब दोपहर के 2 बज रहे थे और वे लंच के लिए रुके, जिसमें उन्होंने नूडल्स खाए। अब ऑथर के सिर दर्द भी पहले से थोड़ा ठीक था, और वे और नाम की जगह पर पहुंचे, और इसके बाद वे एक हाइट पर पहुंचे जो कि ल्हासा से कश्मीर का था। स्टूडेंट, ये जो ल्हासा है वो कैपिटल ऑफ तिब्बत है। अब ऑथर के फ्रेंड डैनियल वहां से वापस ट्रक से ल्हासा चले गए, क्योंकि वह कोरा करने नहीं आए थे, जबकि ऑथर को ड्रॉप करने आए थे। अब उनकी गाड़ी के टायर पंचर हो गए थे, जो कि सेतन ने उन्हें कहा कि आप कैफे में बैठकर चाय पी लो और मैं टायर चेंज कर लेता हूँ। ऑथर को यह जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वहाँ से आगे निकल जाते हैं। अब वे डार्चन नाम की जगह पर रात 10:30 बजे पहुँच जाते हैं और एक गेस्ट हाउस में रुकते हैं, तथा कोल्ड की हाइट और की वजह से, कोल्ड भी बहुत था, क्यों था, क्योंकि वहाँ पे हाइट बहुत ज़्यादा थी, ऊंचाई पर थे ऑथर, तो ऑथर को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी और वह रात भर सो नहीं सके, और नेक्स्ट सुबह उन्हें टिबेटन मेडिकल कॉलेज में ले गए, जहाँ एक टिबेटन डॉक्टर ने उन्हें ब्राउन एनवलप में 5 दिन की मेडिसिन दी। अब पूरे दिन ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के बाद वे दवा लेने पर काफ़ी गुड फील कर रहे थे, और अब रात को भी ऑथर अच्छे से सोए थे। अब डार्चन में ही सेतन उन्हें छोड़कर वापस चला गया अपने अदर टूरिस्ट को लेने, और डार्चन में ऑथर को विजिटर नहीं दिख रहे थे, क्योंकि वे अर्ली सीजन में ही यात्रा पर आ गए थे। अब ऑथर को एक कैफे में चाय पीते वक्त नॉर्बू नाम के पर्सन से मुलाकात हुई, जो कि ऑथर की तरह ही कोरा कंप्लीट करने आया था। अब ऑथर काफी खुश थे, क्योंकि उन्हें अपना साथी
मिल गया था। अब उन्होंने याक को हायर किया सामान लादने के लिए और नोरबू ने कहा कि मेरी टमी तो निकली हुई है और मैं तो ऐसे ही लेट लेट कर कोरा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये तो नोरबू ने एज अ जोक बोला था, वास्तव में तो दोनों ने मिलकर कोरा कंप्लीट किया। साथ स्टूडेंट हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी हेल्पफुल टू यू। इफ यस प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।